फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मेंटेनेंस के लिए हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिटर्जेंट डिस्पेंसर की सफाई, डोर गैस्केट की सफाई और ड्रेन पंप और ड्रेन फिल्टर की सफाई। इसके अलावा हम ड्रम को भी साफ कर सकते हैं। तो डिटर्जेंट डिस्पेंसर की सफाई करने के लिए उसमें लगे लॉक को दबाकर डिटर्जेंट डिस्पेंसर को बाहर निकाल लें और उसके नीचे के भाग को, जहाँ पे कि बहुत सारा जो काई है और डिटर्जेंट का जो रेजिड्यू है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको टूथब्रश जो घर में पुराना होता है उसके द्वारा हम उसको अच्छे से साफ कर लें। ये जो यहाँ पे गंदगी है इसको सब अच्छे से हटा लें। हटाने के बाद ये जो डिटर्जेंट डिस्पेंसर है इसको सिंक में टैप के नीचे अच्छे से वॉश कर लें। इसमें जो भी डिटर्जेंट जमा हुआ है उसको अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट है जब ये जम जाता है तो इसके पोर्ट भी बंद हो जाते हैं और ये बार बार जो है गंदा डिटर्जेंट जो है वो उसके साथ साथ पानी के मिक्स होकर टब में जाता है। तो इस तरह इसको साफ करने के बाद वापस इसके स्थान पर लगा दें। अभी देखिए इसके अंदर पानी का फ्लो अच्छे से आ रहा है। जो गैस्केट की क्लीनिंग के लिए इसके, देखिए भाई इसके अंदर बहुत सारी जो वो काई है वो जम जाती है और जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो ये काई पानी के साथ में मिक्स होकर टब में जाती है। इसको हम अच्छे से टिश्यू पेपर से या किसी कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से हाथ डालकर जैसे दिखाया गया है वैसे साफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कॉलिन या जो स्केल रिमूवर होता है उसको स्प्रे करके साफ कर सकते हैं। बहुत सारे अगर आप मॉडल देखेंगे, जैसे कि ये बॉश का मशीन है तो इसमें हमें दो स्क्रू खोलकर इस पे ऊपर लगा हुआ कवर हटाकर, इसमें एक ड्रेन पाइप भी दिया होता है जिसके ज़रिए हम जो टब के अंदर जो जमा पानी है उसको हम मग में अलग से निकाल लें ताकि ये फर्श पर नहीं गिरे। और बहुत सारी मशीन में ड्रेन फिल्टर, इसको निकाल कर हम साफ करके धो के वापस इसको अपनी जगह पर लगा दें जैसे हमने इसको निकाला था। ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है तो इसको हम वापस लगा दें। इस प्रकार हम ये तीनों जो चीज़ें बताई गई थी, जैसा डिटर्जेंट डिस्पेंसर की सफाई, गैस्केट की सफाई और जो ड्रेन पंप और ड्रेन फिल्टर की सफाई जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत तरह के जो स्केल रिमूवर हैं वो अवेलेबल हैं, इसे आप अमेज़न से ऑर्डर करके भी खरीद मंगवा सकते हैं। और ये जो स्केल रिमूवर होता है इसके डालने से जो स्टील ड्रम के पीछे जो मेन टब होता है उसके ऊपर बहुत सारी स्केल इकट्ठा हो गई होती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसा गैस्केट के अंदर काई जम गई थी इस तरह से स्केल इकट्ठा हो जाता है। उसको आप डिटर्जेंट डिस्पेंसर में डालकर या सीधा मेन टब में डालकर इसका जो मेंटेनेंस वाला प्रोग्राम है या इसमें टब क्लीन का अलग अलग मशीन में जो प्रोग्राम होता है उसको बिना कपड़े डाले आप इसको चला दें और इससे जो भी स्केल इकट्ठा हुआ होता है वो पूरा डिज़ोल्व होकर पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाता है और कपड़ों की जो वॉश क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। ये काम आप अपने आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आसानी से अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग जो है वो अपने आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।